हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज प्रतीक्षा मिश्रा एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो फ्रॉम पीएम बायो पर्सन एकेडमी, जो आपको प्रोवाइड करे जे टोटल फ्री एजुकेशन विथ फ्री नोट्स, फ्री बुक्स, फ्री मटेरियल्स, इच एंड एवरीथिंग इज फ्री 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 एंड यस एटा आपण माने क्लियर करि परबे निजर पूरा कांसेप्ट कंचा ओडिया रे। सो बाय द वे हम माने आज टू स्टार्ट करचंती थर्ड सेमेस्टर पिला मानकर कोर्स 6 पेपर, जोटा कि फिजियोलोजी पेपर टिके डिफिकल्ट, टिके इजी, टिके इंटरेस्टिंग, जोटा कि मुझे पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करदेवी। आगुरी आम कोर 5 पेपर ऑलरेडी 2टा यूनिट कवर करदे, बाकी 2टा यूनिट रो लास्ट यूनिट पूरा घोषा पाठ, तादर किसी ना जमी हिस्ट्री गोटे घोषा पाठ बट इंटरेस्टिंग, सेमती यूनिट 4 पूरा घोषा पाठ, ताको मु जेते बुझेले भी से बुझिला भाया किसी जिनस ही नहीं, बस गुड़ाए टर्म अच्छी ताको आपको घोषा पड़ो, बारंबार बारंबार प्रैक्टिस करने को पड़ो। बट यूनिट 3 इंटरेस्टिंग, तादर मात्र 3टा ही क्वेश्चन अच्छी, जो 3टा क्वेश्चन मुझे 3टा क्लास रे साथ देबी। से कोर 5 रे मैं ब्रेक देके बर्तमान कोर 6 को आसी, धीरे धीरे आम कोर 6 एंड कोर 7 मध्य सार दबा, से चिंता करने दरकार नहीं। मुझ सब आपण सांगे अच्छी, केतबे आपंकर कोर्स सर से दायित्व मोर, बस आपर कम हो टिके वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब करके जिते सांग जूनियर सीनियर जी भी सब अच्छा भाई भूणी समस्त को शेयर कर दिंतु, से भी एजुकेट हूँ, से फंडामेंटाल्स क्लीयर हो, जमी आपको क्लास इंटरेस्टिंग लगुच, पाठ इजी लगुच, सेमती से भी इजी लगे दरकार कि नहीं, आम समस्त को एजुकेट कर। ओके ताले स्टार्ट करबा, लेट न करिकरी आजिकार टॉपिक एपिथेलियल टिश्यू। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको जानिबा दरकार टिश्यू कौन। समस्ते जानी थे छुआ बेले पढ़ी पढ़ी आसछथि टिश्यू कौन, टिश्यू केमिति तयारी होछि। आम बॉडी होछि गोटे मल्टी सेल्युलर बॉडी, सिंगल सेल बॉडी अछि जेमति कि आमीबा अछि सिंगल सेल बॉडी, किंतु आम बॉडी कौन मल्टी सेल्युलर बॉडी। मल्टी सेल माने आम बॉडी रे 1 रु अधिक सेल माने प्रेजेंट अछि। सेल माने करूछथि ताले कौन, 1 रु अधिक सेल माने जो प्रेजेंट अछि से माने मिसी कि टिश्यू देइ थांती, जो टिश्यू माने कि प्रॉपर फिजियोलॉजिकल फंक्शन करबा पई परफॉर्म करि थांती बा एलिजिबल हेइ थांती। तो बॉडी विभिन्न जगह सेल अच्छा, विभिन्न प्रकार सेल अच्छा, जो सेल माने कि मिसिकी विभिन्न प्रकार टिश्यू तैयारी करथांती, जो टिश्यू माने कि आम बॉडी रो वेराइटी वेराइटी फंक्शन सब करथांती। ताले देखिबा हमर ओवरऑल कांसेप्ट जानि देले टिश्यू कोन। एबे टिश्यू केते प्रकार रहिछि, मेनली हमर टिश्यू रहिछि एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, न्यूरल टिश्यू एंड मस्कुलर टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू कोठी थाए बॉडी रो ऊपर भाग रे, जोटा कि हम स्किन बोली कहउछंती, जनरली मोस्टली आम एपिथेलियल टिश्यू बॉडी रो ऊपर भाग में देखा जाए। एंड बॉडी में आमर जो ऑर्गन अच्छी, हार्ट है, लंग्स है, आईज है, यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट है, ये सब ऊपर पार्ट रे जो लाइनिंग देखा जाए, जो कवरिंग देखा जाए, सेठी मध्य देखा जाए एपिथेलियल टिश्यू। जमती हार्ट, हार्ट रो ऊपर कवरिंग को आम कौन कहते, पेरिकार्डियम कहते, हार्ट को आम कार्डियम कहते, कार्डिया बोली कहते, हार्ट रो ऊपर भाग को पेरी, ऊपर पार्ट को आम पेरी बोली कहते। तो हार्ट रो ऊपर पार्ट है पेरिकार्डियम, से पेरिकार्डियम किए हार्ट को प्रोटेक्ट करके रखी, जमती आम बॉडी को प्रोटेक्ट कर स्किन, सेमती आम हार्ट को प्रोटेक्ट कर पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन। से पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन टा कोथरे तयारी हेछि, एपिथेलियल टिश्यू रे तयारी हेछि। गुडाए सेल अछन्ते, सेल माने मिसिकि टिश्यू हेछन्ते, जो टिश्यू के हार्ट पाखरे प्रेजेंट अछि, हार्ट रो चारि पाखरे रहि के हार्ट को प्रोटेक्ट करूछि। सेमते लंग्स चारि पटे गोटे प्रोटेक्टिव लेयर अछि, आईज रो लाइनिंग रे अच्छा, यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट लेयर रे अच्छा, मान तर अपर लेयर अच्छा, समस्त को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करुँच। तो मोस्टली एपिथेलियल टिश्यू आउटर कवरिंग रे प्रेजेंट थाए, जी कि सबु बेले प्रोटेक्शन प्रोवाइड करि थाए। कनेक्टिव टिश्यू कोठी थाए, कनेक्टिव टिश्यू बॉडी भितर थाए, ब्लड भेसल हेगला, लिम्ब भेसल हेगला, एगुडाक सब कोठी थाए ना कनेक्टिव टिश्यू द्वारा तयारी हेइ थाए। देन न्यूरल रो ना रो ही जना पड़ि जाउछि न्यूरॉन्स, जो न्यूरॉन्स माने तयारी हेछन से माने न्यूरल टिश्यू द्वारा तयारी हेछन। एंड मसल्स, आम बॉडी भीतर गुड़ाए मसल प्रेजेंट अच्छी, एमती अच्छी खाली बोन अच्छी मसल नहीं, समस्त बॉडी में किसी ना कि मसल प्रेजेंट अच्छी। तो से मसल को आम कौ टिश्यू बोली कहते, जो मसल मैंने या से मैंने वेराइटी टाइप्स ऑफ मस्क्यूलर टिश्यू द्वारा या। तो आज आम फास्ट देखा एपिथेलियल टिश्यू भितर, धीरे धीरे आम सबुतिक टिश्यू कवर करवा, बट फास्ट आज आम देखा एपिथेलियल टिश्यू। आई थिंक समस्त गोटे ओवरऑल कॉन्सेप्ट पलि आसो, कौन कौन टिश्यू, टिश्यूर फंक्शन कौन, से कौन कौन काम करुँच। देखा इंट्रोडक्शन स्टार्ट करवा। एवरी सेल इन आवर बॉडी इज स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म अ सर्टेन फंक्शन, बॉडी रे प्रत्येक सेल स्पेशल स्पेशल फंक्शन रही, जमती कि आम आखि, आम आखि आम कौन कर देखुं, आखिरे थोड़े आम खाऊँ, आम गोड़े चलुं, चुटी थोड़े चलुं, सेमती बॉडी रो प्रत्येक सेल प्रत्येक फंक्शन गोटे सर्टेन फंक्शन करने इलिजिबल होता है। Similar kinds of cells constitute a tissue which is classified based on the structure and functions performed by them. जेमती कि जस्ट टिके आगर कहूँ बॉडी रे मेंचे सारा सेल अच्छे मेंचे गुड़ाई टिश्यू भी अच्छे किंतु समस्ते सामान नुहति बॉडी रे विभिन्न जगह विभिन्न प्रकार टिश्यू अच्छे जो मैंने कि विभिन्न अलग अलग प्रकार काम करिथांती. सो द ह्यूमन बॉडी हैज 4 मेन टाइप्स ऑफ टिश्यू जहाँ आम देखिले एपिथेलियल टिश्यू कनेक्टिव टिश्यू न्यूरल टिश्यू एंड मस्कुलर टिश्यू. फर्स्ट ऑफ ऑल आम पढ़ुचंती कोन एपिथेलियल टिश्यू. सो व्हाट इज एपिथेलियल टिश्यू. Epithelial tissue or epithelium forms the outer covering of the skin and also lines of the body cavity. आम बॉडी रो स्किन जो प्रेजेंट अच्छी चर्म प्रेजेंट अच्छी से चर्म रे प्रेजेंट अच्छी एपिथेलियल टिश्यू एंड आम बॉडी रे जतिक ऑर्गन अछंती बा बॉडी कैविटी अच्छी तार लाइनिंग रे प्रेजेंट अच्छी एपिथेलियल टिश्यू जे कोन करूची प्रोटेक्शन प्रोवाइड करूची. दे परफॉर्म वेरियस फंक्शंस एब्जॉर्प्शन प्रोटेक्शन सेंसेशन एंड सिक्रेशन. एब्जॉर्प्शन माने जेमति कि पानी एब्जॉर्ब हे जिबा सेमति विभिन्न प्रकार मिनरल्स बा किछि फ्लूइड एब्जॉर्ब हो जाउची. प्रोटेक्शन प्रोवाइड करूची काहाटू प्रोटेक्शन प्रोवाइड करूची माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तांको ठारू प्रोटेक्शन प्रोवाइड करूची. सेंसेशन सेंसेशन माने कोन जदि बर्तन आपन को टच करिवि तो आपन को सेंस फील हबो से सेंसेशन काम के करूची हमर स्किन करूची जदि आपनकर हाथ गोटे गरम जिंस ऊपर बाज जाउची कि ठंडा जिंस ऊपर बाज जाउची सेंसेशन फील होउची से सेंसेशन के फील करूची ए एपिथेलियल टिश्यू ही फील करूची. देन सिक्रेशन विभिन्न प्रकार हार्मोन्स अछन जो माने कि एपिथेलियल टिश्यू रु भी सिक्रेट हेइथांती. हार्मोन्स तो न माने कहिबा गेले किछि फ्लूइड अछन जो फ्लूइड की एपिथेलियल टिश्यू रु सिक्रेट होती देखा धीरे धीरे कौन से सब अच्छा जो मैंने सिक्रेट होती. दे आर थिन टिश्यू दैट कवर्स ऑल द एक्सपोज्ड सरफेसेस ऑफ द बॉडी. एक्सपोज माने जोड़ाक देखा जाउची किबा जोड़ाक आउटर लाइनिंग अच्छे कहते एक्सपोज सरफेस. They cover various surfaces of the body parts like the inner lining of the mouth, digestive tract, secretory glands, lining of hollow parts of every organ such as heart, lungs, eyes and the urogenital tract. So विभिन्न प्रकार organ lining represent अछि के ना एपिथेलियल टिश्यू. So the cells which form epithelial tissue are closely attached to each other through a structure called tight junctions. Second semester रे जेतबेले cell cycle cell signaling पढ़िथिबे सेतबेले पढ़िथिबे विभिन्न प्रकार junction विषय रे gap junction टाइट जंक्शन पड़ते कि नहीं तो टाइट जंक्शन कौन टाइट ना रु जना पड़े जो पूरा जोर चिपकी थी तो सेल मैंने मिसिकी जो टिश्यू प्रोवाइड कर टिश्यू रे तैयारी होती केमिति होचन जे सेल मैंने परस्पर भितर लूजली फिटेड रहिबे ताले से माने गोटे स्ट्रांग बॉन्ड तैयारी करि परिबे कि तैयारी करि परिबेनी तो ऑब्वियसली सेल सेल भितर गोटे स्ट्रांग अटैचमेंट स्ट्रांग बॉन्ड रहिबा दरकार. ए जो सेल सेल भितर स्ट्रांग अटैचमेंट होउची कहा द्वारा होउची गोटे अठा अछि से अठार काम किए करूची ना टाइट जंक्शन करूची. जेमती हमें हम हाथ को दीटाक हाथ को हमें क्लोजली फिटेड करवा केमती करवा दीटा हाथर आंगुठी को परस्पर सहित मिसेवा मिसेले जाकि से क्लोजली फिटेड होकर रहा. ठीक सेमती आम बॉडी रे जो सेल माने अच्छे मेंचाए सेल बंच ऑफ सेल बा गोटे सेल रो गुच्छ परस्पर सहित टाइट जंक्शन द्वारा अटैच होती जो टाइट जंक्शन टाक भावतु ये गोटे प्रकार ग्लू जे कि सेल सेल मानक अटैच कराइबार हेल्प करूची. जेतेबेले मेंचे गुडाए सेल परस्पर सहित टाइट जंक्शन द्वारा अटैच हो जाउचंती सेतेबेले समान गोटे टिश्यू प्रोवाइड करूचंती बा टिश्यू रे परिणत होउचंती ताको हमें कहउचंती एपिथेलियल टिश्यू. So they do not have blood vessels and nerves and also they are supported by connective tissue called the basement membrane. So ये जो एपिथेलियल टिश्यू अच्छे ना ही यहाँ पाखे ब्लड भेसेल थाए ना ही यहाँ पाखे नर्व थाए किंतु एमानक पाखे कौन थाए एमाने विभिन्न प्रकार सब लाइनिंग रे प्रेजेंट थांती जो माने कि सिक्रेशन हेगला प्रोटेक्शन हेगला एई सब प्रकार फंक्शन परफॉर्म करथांती. एमाने कोठी प्रेजेंट थांती बॉडी रे सब आड़े प्रेजेंट थांती ता सहित कनेक्टिव टिश्यू रो तळ भाग रे प्रेजेंट थांती जहाको हम बेसमेंट मेम्ब्रेन बोली कहि थांती. खाली एई टॉपिक टा जे +3 पिला मानक इंपोर्टेंट ता नुह +2 पिला मानकर मध्य टिश्यू पेपर अच्छी तो जो मैंने भी वीडियो देखुंत जो मानकर जूनियर किंबा सांग भाई भौणी जो मैंने भी +2 पढ़ुंत प्लीज से शेयर करूँ से भी ये क्लास देखूँ बहुत बेनिफिट से हम कारण पाठ समस्त सेम किसी अलग नुह. एपिथेलियल टिश्यू +2 पाई कि अलग +3 पाई कि अलग सेमती नुह. एपिथेलियल टिश्यू रे जहाँ जहाँ भी फंक्शन अच्छी जहाँ जहाँ भी स्ट्रक्चर अच्छी +2 पाकर से अच्छी +3 पाकर से अच्छी एमएससी पाकर से अच्छी. सो प्लीज समस्त को टे शेयर करंतु है कि समझ जमते निजर कॉन्सेप्ट क्लियर करें. ठीक अच्छे तो फास्ट आम जानी गले आमर एपिथेलियल टिश्यू कौन नेक्स्ट देखिए टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू केते प्रकार सब अच्छा क्लासिफिकेशन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू इज मेनली बेस्ड ऑन इट्स लेयर्स शेप एंड फंक्शन। तो विभिन्न प्रकार टिश्यू प्रेजेंट अच्छा फास्ट आम देखा कौन शेप अनुसार केते प्रकार एपिथेलियल टिश्यू अच्छा शेप अनुसार तीन प्रकार आम देखुं कौन कौन स्क्वामस एपिथेलियम क्यूबोइडल एपिथेलियम एंड कॉल्यूमनार एपिथेलियम। स्क्वामस एपिथेलियम कौन this type of tissue has cells with a wider length than their height। wider length माने टिके चौड़ा होइथिबो माने तार हाइट ता जते लंबा होई नथिबो तार चौड़ा ता टिके अधिक होइथिबो। एंड नेक्स्ट पॉइंट कोन देखिबा दे आर मेनली फाउंड इन द लाइनिंग ऑफ माउथ इसोफेगस अल्वियोली ऑफ लंग्स इंक्लूडिंग द ब्लड वेसल्स। ये कोठी कोठी देखा होची साधारण तम पाटी रो जो लाइनिंग अछि से लाइनिंग रे देखा होची इसोफेगस रे देखा होची अल्वियोली लंग्स रो जो अल्वियोली अछि सेठी देखा होची एंड ब्लड वेसल्स रे देखा जाउची। ब्लड वेसल्स रे काहे देखा होची माने ब्लड वेसल रे ये प्रोटेक्टिव लेयर हिसाब रे काम करूची ना कि एपिथेलियल टिश्यू को नहीं कि ब्लड वेसल तैयारी होची। ठीक अछि ब्लड वेसल कनेक्टिव टिश्यू द्वारा तैयारी होची याको मन रखिबे ब्लड वेसल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करूची कि इसको आमस एपिथेलियम। नेक्स्ट हमते क्यूबोइडल क्यूबोइडल ना रही जना पड़ची गोटे क्यूब टाइप रा स्ट्रक्चर हेतिबो। सो दिस टाइप ऑफ टिश्यू हैज सिमिलर विड्थ एंड हाइट माने ए जो क्यूबोइडल एपिथेलियम अछि यार हाइट जतिकि थिबो लंबा जतिकि थिबो चौड़ा भी सेतिकि स्क्वामस रे कौन हो चौड़ा रे अधिक रोचे बट लंबा कम रोचे छोटियाटे दैट इज दे आर मेनली क्यूब शेप्ड। सो ए क्यूबोइडल एपिथेलियम मानकर हाइट एंड विड्थ दी जटांग सेम रोचे एंड ए माने देखिबा को टाइप रो क्यूब शेप रो हेथांदे। नेक्स्ट देखिबा कॉल्यूमनार एपिथेलियम। कॉल्यूमनार कौन दिस टाइप ऑफ टिश्यू इज टॉलर इन हाइट दैन विड्थ एमाने कौन टिके ओल्टा कहार ओल्टा होचंते स्क्वामस एपिथेलियम रो ओल्टा। स्क्वामस रे कौन देखिले सेल रो टिके विड्थ अधिक रोचे माने चौड़ा अधिक रोचे किंतु लंबा कम रोचे हेले कॉलमनार रे लंबा अधिक रोचे चौड़ा कम रोचे एमन ओटा कॉलम लाइक रे देखा होचंती। कॉलम माने जानचन ना नै जेमति के में ग्राफ बनै थांती ग्राफ रे कॉलम टाइप रो ग्राफ बनै थांती बॉक्स बॉक्स करकी सेतर कोन होइता लंबा अधिक थाए चौड़ा कम थाए एटी सेमती कॉलम टाइप रो देखा होचे लंबा अधिक रोचे सेल रो किंतु वाइड कम रोचे। दे आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स गोटे होचे सिलिएटेड कॉल्यूमनार एपिथेलियम आ गोटे ग्लैंडुलर कॉल्यूमनार एपिथेलियम दी प्रकार माने देखा होचंती। नेक्स्ट बेस्ड ऑन लेयर एपिथेलियल टिश्यू इज क्लासिफाइड इनटू सेवरल टाइप्स कौन कौन देखा होचंती। फर्स्ट ऑफ ऑल तमे देखिबा एमन को हमें कौन कहउचंती ना यूनिलेयर्ड एपिथेलियल टिश्यू बा सिंपल एपिथेलियल टिश्यू बोली कहउचन जो मानकर सिंगल लेयर थाए एंड दे आर इन डायरेक्ट कांटेक्ट विद बेसमेंट मेम्ब्रेन्स दैट सेपरेट्स द फ्रॉम द अंडरलाइंग कनेक्टिव टिश्यूज। दे आर फर्दर डिवाइडेड इनटू वेरियस टाइप्स। तो ये जो एपिथेलियल टिश्यू जो माने यूनिलेयर अछन से माने बेसमेंट मेम्ब्रेन ने देखा होचंती एंड एमन मध्य फर्दर केते प्रकार अछंती विभिन्न प्रकार अछंती साधारणतः चारि प्रकार गोटे होचंती सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम सिंपल कॉल्यूमनार एपिथेलियम एंड स्यूडो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम। सो सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम एमने केमते देखा होचन द सेल्स appear like scale and flattened or round form। examples walls of capillaries capillaries माने जो blood capillaries lining of pericardial membrane pleural membrane and peritoneal cavities lining of alveoli of the lungs। तो simple squamous epithelial माने scale type रा देखा होचंती पूरा चेपा round form रा देखा होचंती अंडाकृति टाइप रा round form रा पूरा flat है कि एंड माने कोड कोड देखा होचन ना blood capillary रे देखा होचंती pericardial membrane देखा होचंती pleural membrane देखा होचंती peritoneal cavity रे देखा होचंती एंड lungs रो जो alveoli अछि जे कि gaseous exchange करिवारे हेल्प करूची सेठी मध्य सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम देखा होची। नेक्स्ट देखिबा सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम। these types of cells may have secretory absorptive or secretory excretory functions। जो simple cuboidal अछंती tissues तांकर मेनली तीन टा फंक्शन रोची कौन कौन रोची एमाने सिक्रेशन करेबे एब्जॉर्प्शन करेबे वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्प्शन करेबे एंड एक्सक्रीशन ने हेल्प करेबे। एक्सक्रीशन करौचंती माने ओबियस कथा माने किडनी रे प्रेजेंट रहबे देन सिक्रेशन करौचंती माने सैलिवरी ग्लैंड रे रहबे पैनक्रियास रे रहबे एब्जॉर्प्शन करौचंती माने ए टाइप रो टिश्यूज हमर स्मॉल इंटेस्टाइन ने मध्य देखा होची काहे स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन पढ़ला बेले डाइजेशन क्लास में कर देछि जो माने भी देखबा को चाहते प्लीज जाके डाइजेशन पूरा कंप्लीट प्लेलिस्ट अछि देखंतु डाइजेस्टिव सिस्टम डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन जोटा कि आपण मानकर फोर्थ सेमेस्टर रे भी अछि। सो डाइजेशन समय रे हमर स्मॉल इंटेस्टाइन ने किछि टिश्यूज अछंती जो माने कि एब्जॉर्प्शन ने हेल्प करछंती आ सेठी जो टिश्यू माने अछन से माने होचंती सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियल टिश्यूज। ओके नेक्स्ट देखिबा कोन सिंपल कॉलमनार टिश्यूज। सिंपल कॉलमनार कोन दिस टाइप्स ऑफ सेल्स कैन बी सिक्रेटिव एब्जॉर्प्टिव और एक्सक्रीटोरी इन नेचर। एमाने मध्य से सेम फंक्शन करजंती का भलिया ना क्यूबोइडल एपिथेलियम भलिया। सम ऑफ दिस टिश्यूज कंटेन्स गॉबलेट सेल्स एंड आर रेफर टू अ सिंपल ग्लैंडुलर कॉलमनार एपिथेलियम। गॉबलेट सेल लो काम होची सिक्रेशन करेबा आ याको हमें कोन बोली कहउचंती ग्लैंडुलर कॉलमनार एपिथेलियम बोली कहउचंती। आ गॉबलेट सेल लो कोन सिक्रेशन होची म्यूकस सिक्रेशन होची। आ ए म्यूकस टा कोठी देखा होची ना स्टोमक रे देखा होची कोलन ने देखा होची एंड रेक्टम रे देखा होची। सो गॉबलेट सेल जो म्यूकस सिक्रेट करूची हम सेटा स्टोमक रे अछि कोलन ने अछि एंड रेक्टम रे अछि। ओके एबे क्लियर सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम। नेक्स्ट देखिबा कोन स्यूडो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम। स्यूडो माने कोन फॉल्स हमें जमते कहउचंती फॉल्स फिट बा स्यूडो पड़िया कहार रही समझ जानते आमिबा मानक रही स्यूडो पड़िया जहाँ आम फॉल्स फिट बोली कहते कहीं आमिबा निज बॉडी जेकोसी से जगार गोड़ बाहर करदे पार निजे कड़े लोकोमोशन करने को जीव कि खाद्य से पाइला खाद्य को ग्राब कर बॉडी जेकोसी जगार गोड़ बाहर कर आम पार कि आम पारानी आम तो निर्दिष्ट जगह गोड़ अच्छे निर्दिष्ट जगह हाथ अच्छी तो आमर स्यूडो पड़िया नहीं। ठीक सेमती स्यूडो स्ट्रैटिफाइड मीन्स फॉल्स स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम। दे कैन बी आइदर सिलिएटेड और नॉन सिलिएटेड। आइदर ए स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम माने सिलिएटेड होते मानते छोटिया छोटिया सिलिया प्रेजेंट थी किंबा सिलिया एब्सेंट थी। आर एग्जांपल क्या ना रेस्पिरेटरी एपिथेलियम आमर जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट रही से जगह आमर किए प्रेजेंट अच्छे ना स्यूडो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम माने प्रेजेंट अच्छे। ओके ताले समस्त जानीगले चार प्रकार क्लासिफिकेशन लेयर दृष्टि एपिथेलियल टिश्यू जो चार प्रकार रही समस्ते क्लीयर हो गले। एबे नेक्स्ट जीवा कोठी की स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम। स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम कौन हैविंग टू और मोर लेयर ऑफ सेल्स दैट इज दे आर मल्टी लेयर्ड फर्दर दे आर ऑफ थ्री टाइप्स। जो मानकर एक रु अधिक लेयर सेल अच्छी से आम मल्टी लेयर सेल बोली कहते एंड एने तीन प्रकार देखा जाती। ठीक अच्छे तो फास्ट आम कौन देखते सिंपल सेल सिंपल एपिथेलियल टिश्यू जोटी आम यूनिलेयर सेल देखते गोटे लेयर सेल देखते एवं आम कौन देखा मोर लेयर ऑफ सेल देखा मल्टी लेयर्ड एपिथेलियल टिश्यू देखा जहाँ को आम स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम बोली कहते एने पुणी केते भागर विभक्त होती तीन भागर गोटे होती स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम आ गोटे स्ट्रैटिफाइड कॉलमनार एपिथेलियम आ गोटे स्ट्रैटिफाइड क्यूबोइडल एपिथेलियम। सो स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम कौन एने मेनली प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती कौन प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती ना एब्रेशन आ वाटर लॉस पाई प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती। दे मेनली प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट एब्रेशन माने सेल एब्रेशन एंड वाटर लॉस। दे आर मेनली फाउंड इन ओरल कैविटी माने पाटी रे देखा जानती आइसोफेगस रो साइड रे देखांती एंड लैरिंग्स जहाँ को वॉइस बॉक्स बोली कहउचन जोठी हमर आवाज बाहर ताको हम कहउचन लैरिंग्स। सेमती आम मानकर जोटा लैरिंग्स आपण मैंने जानते पक्षी मानकर भी भाषा बाहर माने पक्षी माने भी कहींपर भी जो वॉइसटा बाहर जो ग्लैंड रही जो वॉइस बॉक्स रही आम कौन कौन जानते आम मानकर जमी लैरिंग्स रही पक्षी मानकर सेमती वॉइस बॉक्स को आम सीरिंग्स बोली कही था। वर्टिब्रेट पढ़ुंत आम जो यूनिट 3 पढ़ा से जनरल कैरेक्टरिस्टिक बर्ड रे देखिए जदि रीडिंग करेंगे तो भल कथा जब रिडिंग करना आम पढ़ा जो बर्ड्स एंड मामल्स पढ़ा बर्ड्स आपने देखिए से वॉइस बॉक्स को आम सीरिंग्स बोली कही था। एटा को लिखि रखु एटा मोस्ट 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 इंपोर्टेंट 1 मार्क क्वेश्चन। ए क्वेश्चन टा मैक्सिमम मानकर एंट्रांस एग्जाम रे पचारे पीजी एंट्रांस रे मैक्सिमम एटा पचारे जे बर्ड्स मानकर वॉइस बॉक्स को कोन बोली कहा जाए लैरिंग्स फारिंग्स सीरिंग्स नन ऑफ द अबव। तो बर्ड्स मानकर वॉइस बॉक्स को सीरिंग्स बोली कहा जाए। लैरिंग्स तो समस्त जानते मारदे पळास बेटे लैरिंग्स किंतु देखिबे कहार पचारछि समस्तकर वॉइस बॉक्स को लैरिंग्स बोली कहा जाए एक्सेप्ट बर्ड्स। बर्ड्स मानकर वॉइस बॉक्स को सीरिंग्स बोली कहा जाए SYRINX। ओके नेक्स्ट कौन देखिए स्ट्रैटिफाइड कॉलमनार एपिथेलियम। देयर मेन फंक्शन आर सिक्रेशन एंड प्रोटेक्शन। स्ट्रैटिफाइड कॉलमनार एपिथेलियम माने सिक्रेशन ने हेल्प करती एंड प्रोटेक्शन ने मध्य हेल्प करती। सो दे आर प्रेजेंट इन द कवरिंग ऑफ द कंजक्टिवा ऑफ द आईज माने आखिर कंजक्टिवा पाखे प्रेजेंट था जे कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती। स्ट्रैटिफाइड क्यूबोइडल एपिथेलियम देयर मेन फंक्शन इज प्रोटेक्टिव इन नेचर एमाने मध्य प्रोटेक्शन करती। दे मेनली लाइन द एक्सक्रीटरी डक्ट्स ऑफ द स्वेट ग्लैंड्स लार्ज डक्ट्स ऑफ एक्सक्रीटरी ग्लैंड्स। आ स्ट्रैटिफाइड क्यूबोइडल एपिथेलियम कोट प्रेजेंट थांती एक्सक्रीटरी डक्ट्स प्रेजेंट थांती को टाइप रे एक्सक्रीटरी डक्ट प्रेजेंट थांती ना स्वेट ग्लैंड पाखे प्रेजेंट थांती। हमर दी प्रकार मेनली ग्लैंड अछंती गोटे होचंती स्वेट ग्लैंड गोटे होचंती सेबेसियस ग्लैंड जे कि स्किन ऊपर सिक्रेशन हेइ थाय। स्वेट ग्लैंड कोन झाळ ओबियसली झाळ को हम स्वेट कोचंती सो जो ग्लैंड रे हमर झाळ सिक्रेशन होते ताको हम कोचंती स्वेट ग्लैंड। सेबेसियस ग्लैंड पणी कोन बॉडी गुडा हमर जो शाइनिंग करची चिक 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 मारची ऑयली ऑयली लागुची सुनथिबे समस्त साधारणत कोनते मोर टिके ऑयली स्किन मो बॉडी टिके ऑयली सो ऑयली कोन तेल तेल बाहर तेल आणिक रोसई करवा ना जो तेल आम बडी बाहर से आम बडी को मॉइस्चराइज करके रखुची स्मूथ करके रखुची स्किन को पूरा सॉफ्ट सॉफ्ट करके रखुची। तो सेबासियस ग्लैंड रो काम होची ये सब बेले मॉइस्चराइजर टाइप रो किछ फ्लुइड सिक्रेशन करबो ताको आमे कहते सेबासियस फ्लुइड। सो जेमती स्वेट ग्लैंड हमर झाड़ सिक्रेशन करूची स्वेट सिक्रेशन करूची सेमती सेबासियस ग्लैंड रो मध्य सेबासियस फ्लुइड सिक्रेशन होची। आ जो स्ट्रैटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम अछि ये स्वेट ग्लैंड रे प्रेजेंट अछि एंड एक्सक्रीटोरी ग्लैंड रे मध्य प्रेजेंट अछि। ओके एबे समस्त क्लियर हे गेले क्लासिफिकेशन विषय रे। एबे आपण मानको सामने गोटे टेबल देखा होतबो जो थरे कि डायग्राम अछि सेल डायग्राम अछि तार लोकेशन अछि एंड तार फंक्शन अछि। आपण जदि एई वे रे टोटल टेबल टा को मने रखी देबे ताले एग्जाम रे आ बिल्कुल कष्ट करबा दरकार नै। माइंड रे पूरा फिट आइ रह जेबे टेबल टा बस ए टेबल को ध्यान रे मने पकेबे डायग्राम करबे लोकेशन लिखिबे फंक्शन करबे डायग्राम करबे लोकेशन को लिखिबे फंक्शन लिखिबे काना डायग्राम रे ऑलरेडी स्ट्रक्चर तो अछि केमिति का कोटा चेपा कोटा गोल कोटा लंबा कोटा वाइड अधिक कोटा लंबा अधिक सब पूरा विभिन्न प्रकार डायग्राम देखा ही दिया है। स्टार्टिंग सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम देन स्यूडो स्ट्रैटिफाइड कॉलमनार एपिथेलियम देन स्ट्रैटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम देन स्ट्रैटिफाइड कॉलमनार एपिथेलियम ट्रांजिशनल एपिथेलियम ये सब होचे विभिन्न प्रकार एपिथेलियल टिश्यू जे कि बॉडी रा विभिन्न जगह प्रेजेंट अछंती एंड अलग अलग विभिन्न प्रकार फंक्शन करूचंती। ओके ए बॉक्स टाक आपण माने मन रखि देबे बिल्कुल भी डिफिकल्ट हबो नाही। ठीक अच्छे एबे नेक्स्ट देखा कौन ना स्ट्रक्चर ऑफ एपिथेलियल टिश्यू कौन कौन सब स्ट्रक्चर रही। ओके तो स्ट्रक्चर कहवा पूर्व आमको प्रथम जानिबार अच्छी जे जो एपिथेलियल टिश्यू माने आमे देखिले जो डायग्राम रो देखिले आराम से हमर सेइथु जानी हबो कि नाही स्ट्रक्चर ओबियस कथा आमको सेइथु ही जानी हबो। आमको एते कष्ट करके पढ़ी के घोषिबा कोन दरकार आमे जदी सेइथु ही देखि देबा केमिति कांकर स्ट्रक्चर अछि आमे ताको निजे इमेजिन करके मथे लिखि देई परिबा। बट एठी आमे स्ट्रक्चर जगह रे आउ किछि जिंस एक्स्ट्रा पढ़िबा कोन पढ़िबा जोटा कि आपनकर एंट्रेंस पाइबे आवश्यक आ जतेबेले जने टीचर आपनकर खाता को इवालुएट करिवे आपंकर गोटे यूनिक स्टाइल रो नोट देखिए। साधारणतः स्ट्रक्चर ऑफ एपिथेलियल टिश्यू रे समस्त सेम सेम जिनस को घिसपिट करके लिखती जे किए लंबा होती किए चौड़ा हो कहार न्यूक्लियस मझे प्रेजेंट थी कहार न्यूक्लियस तले प्रेजेंट थी ए टाइप सब घिसपिट जिनस ही नोट्स थाए किंतु एठी आपंक गोटे स्पेशल नोट देती स्पेशल नोट कौन जंक्शन विषय कही जेनराली जोटा आपको कौन नोट्स मिलनी। सो स्ट्रक्चर ऑफ एपिथेलियल टिश्यू रे आम टे यूनिक जिनस देखा जोटा कि आपंकर सेमिस्टर एग्जाम रे बहुत मार्क फेचिंग। सो दे आर फॉर्म फ्रॉम टाइटली फिटेड कंटिन्यूअस लेयर ऑफ सेल्स दे आर आइदर एक्सपोज टू द एक्सटर्नल सरफेस ऑफ द बॉडी फ्लूइड इनसाइड द बॉडी देयर आर स्पेशलाइज्ड जंक्शंस प्रेजेंट बिटवीन द सेल्स ऑफ द एपिथेलियम एंड सम ऑफ दिस जंक्शंस आर टाइट जंक्शंस एडहेरेंस जंक्शंस एंड गैप जंक्शंस। सो फास्ट रु आम पढ़ी फास्ट जो आम इंट्रोडक्शन पढ़ले एपिथेलियल टिश्यू बा टिश्यू माने केमिति तयारी होचंती सेल माने परस्पर सहित गोटे पूरा टाइटली फिट होकर टिश्यू तैयारी जो परस्पर सहित मैंने फिट होकर अच्छा एमने परस्पर सहित केमी फिट होकर अच्छा ना गोटे जंक्शन साहाय्य अच्छा जंक्शन को आम केते प्रकार भाग में विभक्त कर फंक्शन अनुसार जंक्शन माने तीन भाग में विभक्त होती। फास्ट हूँ टाइट जंक्शन जी कि परस्पर सहित पूरा टाइटली आटाच करके रखबार हेल्प कर क्या टाइटली आटाच कर सेल मानू दे मेनली प्रिभेन्ट लिकेज आक्रॉस द टिश्यू कौन प्रकार जमी लिकेज हम ना सेल सेल भीतर जंती प्रॉपर अटैचमेंट होकर रहा पूरा टाइट अटैचमेंट होकर रहा से प्रत्येक सेल भीतर टाइट जंक्शन प्रेजेंट थाए। देन एडहेरेंस जंक्शन कौन एडहेयर माने साइड बाय साइड को आम एडहेयर बोली कहते। सो दे हेल्प इन कीपिंग नेबरिंग टिश्यूज प्रॉपर्ली सीमेंटेड गोटे सेल आउ गोटे सेल सहित केमती चिपकी रहिबो साइड सेल सहित केमती चिपकी रहिबो ताको मेंटेन करिवार काम कहार एडहेरेंस जंक्शन। गैप जंक्शन कौन करोछि दे हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ आयन्स एंड मॉलिक्यूल्स अक्रॉस द टिश्यू सेकेंड सेमेस्टर आपण माने पढ़िथिबे प्लाज्मा मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को आम कौन कहते ना सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहते कहीं आम बॉडी रे जति आयन दरकार जति मॉलिक्यूल दरकार जहाँ भी न्यूट्रिएंट दरकार प्लाज्मा मेम्ब्रेन ताको बाछि बाछि नै थाए सिलेक्शन करके नहीं था कोटा आवश्यक कोटा अनावश्यक से प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन बोली सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बोली कहते एठी सेमती से फंक्शन किए करुच्ची गैप जंक्शन करुच्ची। गैप जंक्शन कौन करुच्ची सेल को केतिकी आयन दरकार केतिकी मॉलिक्यूल दरकार केतिकी अमाउंट दरकार को आयन दरकार को मॉलिक्यूल दरकार को न्यूट्रिएंट दरकार ताको ट्रांसपोर्ट कराइबारे हेल्प करोचे, ताको सेल टू सेल इंटरेक्शन कराइबारे हेल्प करोचे के गैप जंक्शन। दे हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ आयन्स एंड मॉलिक्यूल्स अक्रॉस द टिश्यू। गोटे टिश्यू रु आउ गोटे टिश्यू पाखु, गोटे सेल रु आउ गोटे सेल पाखु केतिके अमाउंट रो आयन, केतिके अमाउंट रो मॉलिक्यूल, को टाइप रो आयन एंड मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट हम मूवमेंट करबा ताको डिसाइड करूचे गैप जंक्शन। सो एपिथेलियल टिश्यू तीनटा जंक्शन को लेके तैयारी होइचे जो माने कि स्पेशल फंक्शन परफॉर्म करूचंती एंड जो मान ना होचे टाइट जंक्शन, एडहेरेंस जंक्शन एंड गैप जंक्शन। ओके एबे समस्त पूरा क्लियर हो गले कौन कौन अच्छी। एबे हमें देखिबा एपिथेलियल सेल्स मेनली हैज टू टाइप्स ऑफ मेम्ब्रेन। आ ए नोट भी आपन को कोठी मिलबनी, कोनोसी जगह मेंशन हे नथिबा मेम्ब्रेन बिसारे। एपिथेलियल सेल मानकर दीटा मेम्ब्रेन रही, सिक्रेशन अनुसार एमकर दीटा मेम्ब्रेन रही। कौन अच्छे विभिन्न प्रकार मेम्ब्रेन अच्छे, गोटे हूँ म्यूकस मेम्ब्रेन, गोटे हूँ सीरस मेम्ब्रेन, आउ गोटे कौन रोचे ग्लैंड प्रेजेंट रोचे जहाँक आम मेम्ब्रेन रे काउंट तो करूना बट ग्लैंड प्रेजेंट रोचे। सो म्यूकस मेम्ब्रेन ना ना एमती कहीं कारण से म्यूकस सिक्रेट करचंती। इट इज ऑल्सो नोन एज म्यूकोसाल सेल्स। सो जो सेल माने म्यूकस सिक्रेट करचंती ताको हम म्यूकोसाल सेल बोली कहचंती। जस्ट टिके आगु हम गब्लेट सेल विषय डिस्कशन करथुले जो माने कि सिक्रेशन ने हेल्प करथंती, सेमानकर नेचर होची सिक्रेटिव इन नेचर। सो जो गब्लेट सेल माने अछंती एमानक पाखरे म्यूकस मेम्ब्रेन प्रेजेंट अछि एंड दे मेनली परफॉर्म लुब्रिकेशन, प्रोटेक्शन प्रोसेस एंड इजी मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स अक्रॉस द सेल। दे आर मेनली प्रेजेंट इन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। देखो बर्तमान आपड़ छुआ बेले इमेजिन करूँ, छुआ बेले आप समस्त घोसरा दोली खेली थे जो पाचर चढ़ी चढ़ी जाते घोसरिकी पलि आसती। जदि से रफ्रे या आम भलसे घोसारी होईपर कि आसीपरानी, जदि से पूरा पक्का भाया होता माने पूरा घोला फोला देकी पूरा बढ़िया फ्लो हो आपने भलसे घुसुरिकी आसीपरेंगे। आदि से मुझे तेल पकईदेवी तो आराम से चटकी खसिकी पलि आसबे। हाँ कि नहीं, तेलटा कौन कर सेमी फ्लुइड सब्सटेंस जे कि आपन को खसबारे हेल्प कर, मूवमेंट करिबारे हेल्प करुचे, लुब्रिकेट करुचे। ठीक सेमती एठी जो गब्लेट सेल लो म्यूकस सिक्रेट होची। म्यूकस कौन करुचे, म्यूकस होची गोटे सेमी सॉलिड फ्लूइड बा सेमी फ्लूइड टाइप रो सब्सटेंस, अधा पानी अधा सॉलिड एमती कि सेमी फ्लूइड सब्सटेंसटा जे कि हम बॉडी रे कौन प्रोवाइड करुचे लुब्रिकेशन करुचे। ओबवियसली जदी नाळुआ नाळुआ जिनसटा किबा तेलटा हम हातर धरिबा हमको लुब्रिकेट फील हम। आ लुब्रिकेट फील होची ता सहित प्रोटेक्शन प्रोवाइड करुची। केमिति का प्रोटेक्शन करुची, जो आपन देखिबे जिंक फिंक हैला कि जहाँ हैला आपन जो तेल रे पकई देबे तेल ताको ट्रैप कर दो, पानी ट्रैप करबनी काहे ना पानी होची पूरा साफ पानी, सेमी फ्लूइड सब्सटेंस नो जतिको सेमी फ्लूइड सब्सटेंस अछि से माने ट्रैप करंती। जेमते हम कान हो गेला, नाक होला, कान रे नाक रे कोन अछि सेमी फ्लूइड सब्सटेंस अछि जो माने कि पार्टिकल माने को ट्रैप कर देंती। कान रो हमें मैला काढंती, कान रो जो मैला काढंती सेटा केमिति हेते सेमी फ्लूइड सब्सटेंस है जे को ट्रैप कर दिए। ठीक सेमती ए जो गब्लेट सेल जो म्यूकस सिक्रेशन करुची ए म्यूकस माने ट्रैपिंग रे हेल्प करते। जदि कौन प्रकार माइक्रो ऑर्गेनिज्म आम बॉडी की अटैक करुँच से माइक्रो ऑर्गेनिज्म मान को ट्रैप कर फंक्शन हो म्यूकस म्यूकस मेम्ब्रेन ताको म्यूकस सिक्रेट करके प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता। सो गब्लेट सेल जो म्यूकस सिक्रेशन होची से माने बॉडी रे लुब्रिकेशन करुचंती, प्रोटेक्शन करुचंती एंड जो खाद्य आम खाऊचंती से खाद्य को इजिली केमते मूव करके पार्टी रो इसोफागस देके पूरा स्टोमक पंत नहीं जब स्टोमक रु केमती आनस पंत नहीं जब से कम होची हमरा म्यूकस रो। सेतिपाई ए गब्लेट सेल माने बाय म्यूकोसाल सेल माने कोठी प्रेजेंट थांती, मेनली डाइजेस्टिव ट्रैक्ट रे प्रेजेंट थांती। ओके एबे समस्त बुझीगले म्यूकस मेम्ब्रेन कौन। नेक्स्ट देखिबा सीरस मेम्ब्रेन। दे मेनली लाइन बॉडी कैविटीज व्हिच मेनली ओपन इनसाइड नॉट आउटसाइड। सीरस मेम्ब्रेन माने बॉडी रो इनसाइड को ओपन हेते जेमती प्लूराल कैविटी, पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन। एथिरे कोन अछि ना किछि फ्लूइड अछि जहा कमे सीरस फ्लूइड बोली कहउचंती। गोटे इंटरेस्टिंग कथा कहछि सुनंतो, हमर जो हार्ट अछि हार्ट रो मेम्ब्रेन अछि जाकू हमें पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन बोली कहउचन जे कि हार्ट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करछि। ए जो हार्ट रो ऊपर लेयर अछि जाकू पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन कहउचंती, सेमती हार्ट भीतर साइड रे मध्य गोटे मेम्ब्रेन अच्छे जहाँ को हमें एंडोकार्डियल मेम्ब्रेन बोली कहउचन बा इनर मेम्ब्रेन ऑफ हार्ट बोली कहउचंती। एबे पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन आ इनर मेम्ब्रेन भितर घर्षण सृष्टि है कि तांको भितर कोनोसी प्रकार हीट प्रोडक्शन न हो बा अत्यधिक घर्षण सृष्टि न किसी प्रॉब्लम न हो सेति पे से दी जन को भितर गोटे सेमी फ्लूइड सब्सटेंस प्रेजेंट अछि, पानी टाइप रा वाटरी सब्सटेंस प्रेजेंट अछि, फ्लूइड प्रेजेंट अछि जहाँ को हमें कोन कहंती ना पेरिकार्डियल फ्लूइड बोली कहितांती। बर्तन अपन माने जो दी जन ଜଣଙ୍କର ଯେଉଁ ହାତ ଅଛି ଦୁଇଟା ହାତ ଅଛି ସେ ହାତ ଦୁଇଟାକୁ ଜୋର 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 ଘଷନ୍ତୁ ଘଷନ୍ତୁ ପାପୁଲିକି ଜୋର ଜୋର ଘଷନ୍ତୁ ଘଷିବା ଫଳରେ କ'ଣ ହେଉଛି ହିଟ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ହେଉଛି ହେଉଛି ନା ନାହିଁ। ଏବେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ହାତ ମଝିରେ ପାପୁଲି ମଝିରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ପାଣି ପାଉଚ୍ଟେ ଥୋଇଦେବି କହିବି ଘଷନ୍ତୁ ପାଣି ପାଉଚ୍ଟାକୁ ଘଷିବେ 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 ଆଉ ହିଟ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ହେବ କି ହେବନି କାହିଁକି ନା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଘର୍ଷଣ ଶକ୍ତି ରହୁଛି ସେଇଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ହ୍ରାସ ହୋଇଯାଉଛି ଯେଉଁ ହିଟ୍ ହେଉଛି ସେ ହିଟ୍ଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ହ୍ରାସ ହୋଇଯାଉଛି। ଠିକ୍ ସେମିତି हार्ट रे जो दीटाक लेयर अच्छी माने एंडोकार्डियल मेम्ब्रेन और पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन से दीटाक मेम्ब्रेन जिते बड़े आम हार्ट रो कंट्राक्शन रिलैक्सेशन हो टाइम ये दीटाक मेम्ब्रेन मानक भितर कौन प्रकार घर्षण न हो हीट प्रोडक्शन न हो कौन प्रकार प्रोब्लेम न हो से दीटाक मेम्ब्रेन भितर फ्लूइड प्रेजेंट अच्छी आउ ए फ्लूइड को आम पेरिकार्डियल फ्लूइड बोली कहते जी कि सीरस मेम्ब्रेन रु ही सिक्रेट हो। तो ये सीरस मेम्ब्रेन कौटी प्रेजेंट अच्छी प्लूराल कैविटी प्रेजेंट अच्छी एंड पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन ने प्रेजेंट अच्छी जे कि फ्लूइड सिक्रेशन करुचे बा सीरस सिक्रेट करुचे सीरसटा होची गोटे सेमी फ्लूइड सब्सटेंस जे कि बॉडी रे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करुची। ओके सीरस मेम्ब्रेन में बुझीगले। एबे नेक्स्ट देखिबा कोन ग्लैंड। ग्लैंड कोन जो माने हार्मोन सिक्रेशन करंती तांको हमें ग्लैंड बोली कहितांती। सो दे आर मेनली ऑफ टू टाइप्स गोटे होचंती एक्सोक्राइन ग्लैंड गोटे होचंती एंडोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड हमें का कहबा दे सिक्रेट देयर सिक्रेशन इनटू डक्ट फॉर एग्जांपल गॉबलेट सेल्स स्वेट ग्लैंड्स व्हेयरएज एंडोक्राइन ग्लैंड सिक्रेट देयर सिक्रेशन डायरेक्ट इनटू द ब्लड। एक्सोक्राइन ग्लैंड हमें सेही मान को कहबा जो माने कि जहां भी सिक्रेशन करचंती डक्ट भीतर को सिक्रेट करचंती बट एंडोक्राइन ग्लैंड माने डायरेक्ट ब्लड भीतर को ही सिक्रेट करचंद। ब्लड भीतर के सिक्रेट होची हार्मोन डायरेक्ट हार्मोन माने सिक्रेट होचंद ब्लड भीतर को आ गॉबलेट सेल स्वेट ग्लैंड ए माने सब कोठी सिक्रेट होचंद गोटे स्पेशल डक्ट भीतर को सिक्रेट होचंद सेत में ताको हम एक्सोक्राइन ग्लैंड बोली कहतांती। ओके एबे जानि गेला हमर स्ट्रक्चर वक्चर कोन रहिची। नेक्स्ट लास्ट देखि देबा कोन फंक्शन ऑफ एपिथेलियल सेल्स। यदि इंटरेस्टिंग लगुच प्लीज गोटे लाइक कर दिंतु मत भी बहुत खुशी लगे केत कष्ट करके पूरा क्लास नहीं आसी लाइक करूँ जिते सांग जूनियर सीनियर जे सब अच्छा भाई भौणी समस्त गोटे शेयर करूँ। आ ये चैनल खाली तो एपिथेलियल टिश्यू डिस्कसन होनी विभिन्न प्रकार कथा आम डिस्कस कर फर्स्ट इयर नहीं कि थर्ड इयर पर्यटन प्लस टू नहीं कि एमएससी पर्यटन सब प्रकार पाठ आम डिस्कसन कर सिलेक्शन क्वेश्चन प्रोवाइड कर तो समस्त को शेयर करूँ समस्त भी बेनिफिट हम समस्त आपने आशीर्वाद भी पाइबे ब्लेसिंग्स पाइबे एंड जो मैंने सब्सक्राइब न करके देखुंती टिके सब्सक्राइब कर दिंतु बिल्कुल भी पैसा पड़बनी पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट सतरे कहूँ सब्सक्राइब टिके कर दिंतु मत भी खुशी लगे है कि। तो फंक्शन ऑफ एपिथेलियल सेल देखा पूरा लास्ट स्टेज रे आमे एपिथेलियल सेल्स प्ले अ मेजर रोल इन द वेरियस फंक्शंस ऑफ द बॉडी। सम ऑफ द क्रूशियल फंक्शंस आर सिक्रेशन प्रोसेस नेक्स्ट एब्जॉर्प्शन प्रोसेस ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस प्रोटेक्शन प्रोसेस रिसेप्टर फंक्शन ए सब होची विभिन्न प्रकार रा फंक्शन कार एपिथेलियल टिश्यू रा ए सब जिंस हम ऑलरेडी पढ़ी सारचंती बस आउ टिके टिके एक्स्ट्रा लिखबा जे तुम क्वेश्चन ने पचरा हिची स्ट्रक्चर फंक्शन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू तुमको फंक्शन विषय टिके डिस्क्राइब करबा को पड़िबो। ओके सिक्रेशन प्रोसेस फर्स्ट ऑफ ऑल कौन होचे हमर सिक्रेशन ना मोस्ट ऑफ द एपिथेलियल सेल्स हैव द कैपेबिलिटी टू प्रोड्यूस सिक्रेटिव मैक्रोमोलिक्यूल्स। वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल इज ग्लैंडुलर एपिथेलियम जो हमारा ग्लैंडुलर एपिथेलियम रही है या भितर मैक्रोमोलिक्यूल सिक्रेट होची। एज एंडोक्राइन ग्लैंड इज आल्सो सिक्रेटिव इन नेचर दैट इज इट सिक्रेट हार्मोन्स ये कौन करोची ना हार्मोन सिक्रेट करोची आ कोठी सिक्रेट करोची हार्मोन मन तो ऑब्वियसली ब्लड भितर को ही सिक्रेट हेबे। सो एन एंडोक्राइन ग्लैंड इज आल्सो सिक्रेटिव इन नेचर दैट इज सिक्रेट हार्मोन्स डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम एंड सम ऑफ दिस हार्मोन्स आर इंसुलिन थायरोक्सिन ग्लुकागन मध्य ए सब विभिन्न प्रकार हार्मोन जो माने कि डायरेक्ट ब्लड भितर को सिक्रेट होचंती। आ जदी इंसुलिन लेवल कमी गला इंसुलिन के सिक्रेट करोची पैनक्रियास सिक्रेट करोची जदी बॉडी रे इंसुलिन न मात्रा कमी गला ताले सुगर लेवल अधिक हो जिवो जदी सुगर लेवल अधिक हो जिवो ताले कोन हबो हमको डायबिटीज हबो जहा को हम टाइप 1 डायबिटीज बोली कहउचंती। टाइप 1 डायबिटीज बहुत मारात्मक। ओके नेक्स्ट देखबा कोन व्हेयरएज एक्सोक्राइन ग्लैंड्स व्हिच आर आल्सो सिक्रेटिव इन नेचर रिलीज देयर हार्मोन्स इनटू डक्ट्स जोटा जस्ट आम पूर्व पढ़ले। एक्सोक्राइन ग्लैंड में क्या कहते जो मैंने कि निजर रिलीजटा डक्ट भर को कराउछन जेमती सेबम ऑफ द स्किन सेबम कोठू सिक्रेट होची सेबासियस ग्लैंड रु सिक्रेट होची एंड डाइजेस्टिव एंजाइम्स इन द स्मॉल इंटेस्टाइन जतिक सब एंजाइम रही डाइजेस्टिव एंजाइम से सब स्मॉल इंटेस्टाइन को सिक्रेट होती एंड जो सेबम रही सी आम स्किन पाक सिक्रेट होची एंड आम जो स्वेट ग्लैंड रही से भी स्वेट सिक्रेशन करोटे डक्ट को सिक्रेट कर ये होचे मानकर सिक्रेटोरी नेचर। देन एब्जॉर्प्शन प्रोसेस, एब्जॉर्प्शन प्रोसेस माने सोसिबा एब्जॉर्प्शन करिबा। सो द एब्जॉर्प्शन प्रोसेस इज मेनली परफॉर्म्ड बाय सरफेस एपिथेलिया विद द हेल्प ऑफ माइक्रोविली एज द इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर द एब्जॉर्प्शन प्रोसेस। अनदर एग्जांपल इज द कोलुमनार एपिथेलियम इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। देयर मेन फंक्शन इज द एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। टिके जस्ट पूर्व जतबे कोलुमनार एपिथेलियम मु पढौतिले कहितिले कि नै आमर डाइजेस्टिव सिस्टम रो सबुठु क्रुशियल फंक्शन कोठी होची, डाइजेशन कोठी होची, एब्जॉर्प्शन कोठी होची, स्मॉल इंटेस्टाइन ने होची। सो स्मॉल इंटेस्टाइन ने मिनरल्स वाटर ए सब प्रकार जिनसा एब्जॉर्प्शन होची। स्मॉल इंटेस्टाइन ने सिलिया प्रेजेंट अछंती, स्मॉल इंटेस्टाइन ने कोलुमनार एपिथेलियम प्रेजेंट अछंती, जो कोलुमनार एपिथेलियम एंड सिलिया मिसिकी एब्जॉर्प्शन करोचंती। सो जो एब्जॉर्प्शन प्रोसेस होची मोस्टली ये स्मॉल इंटेस्टाइन ने होची एंड ता सहित कोल्यूमनार एपिथेलियम द्वारा ही होची। कोल्यूमनार एपिथेलियम एंड जो माइक्रोविली अछंती सिलिया टाइप रो स्ट्रक्चर सेमानक द्वारा ही एब्जॉर्प्शन प्रोसेस होची। ओके क्लियर। नेक्स्ट देखिबा ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन माने गोटे जगह रु आ गोटे जगह को जदि किछि जिंस ट्रांसपोर्ट होची बा आदान प्रदान होची ताको हम ट्रांसपोर्टेशन बोली कहतांती। सो देयर आर वेरियस पंप्स दैट आर ऑपरेटेड बाय एपिथेलियल टिश्यूज। एग्जांपल हाइड्रोजन आयन पंप ऑफ द किडनी जाको में H+ आयन पंप बोली कहउचंती एज दे फंक्शन ड्यूरिंग द यूरिन फॉर्मेशन। जेतबेला हमर यूरिन फॉर्मेशन होची सेतबेला कोन होची सेतबेला हमर H+ आयन पंप एक्टिवेट हे जाउची, हाइड्रोजन आयन पंप एक्टिवेट हे जाउची, जो द्वारा के हमरा धीरे धीरे यूरिन फॉर्मेशन हवा को लागुची, यूरिन सिक्रेट हवा को लागुची। आ याको किए फंक्शन करोची ना एपिथेलियल टिश्यू ही फंक्शन करोची। हाइड्रोजन पंप जो किडनी रे एक्टिवेट होची से एपिथेलियल टिश्यू द्वारा ही होची। आ यूरिन कोन होची फॉर्मेशन हे के रही जाउची कि ट्रांसपोर्ट के बाहर को आसी तो आको हमें कोन कहउचंती ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस बोली कहउचंती। यूरिन तयारी हवा तयारी हे के यूरिनरी ब्लैडर को आसीबा, यूरिनरी ब्लैडर रु हमरा सिक्रेट हे जबा बाहर को। ए सब गोटे ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस। तो ये जो ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस कहाँ द्वारा होची ना एपिथेलियल टिश्यू द्वारा होची। ओके एबे क्लियर। नेक्स्ट देखिबा प्रोटेक्शन प्रोसेस। प्रोटेक्शन प्रोसेस कौन? दे एक्ट एज सिलेक्टिव बैरियर्स एंड प्रोटेक्टिंग बैरियर्स। दे प्रोड्यूस इंटॉक्सिकेशन, टियरिंग एंड इन्फेक्शन। प्रोटेक्शन प्रोसेस रे माने केमिति हेल्प करूचंती जदी हम बॉडी रे कोन प्रकार टॉक्सिक सब्सटेंस आसी जाउची से माने इंटॉक्सिकेट करबा को हेल्प करूचंती। टियरिंग सहाजे रे जो सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम आखी भीतर अछंती धूली फूली सब जाम हे जाउची ताको ए माने लुहा आकार रे टियरिंग प्रोसेस रे बाहर कर दोचंती एंड जदी किछि इन्फेक्शियस पार्टिकल हम बॉडी भीतर आसुचंती सेमान को ट्रैप करबा रे सेमान को अगेंस्ट फाइट करबा रे मध्य के हेल्प करूची नाई एपिथेलियल टिश्यू ही हेल्प करूची। एंड लास्ट फंक्शन कोन हमरा ना रिसेप्ट function. Epithelial cells can receive receptors, that is sensory information, and they convert them into neural signals. An example of such epithelial tissue is olfactory nasal mucosa. They detect the odors coming from the outside and further transmit this information to the central nervous system. तो ये कौन है बहुत इंटरेस्टिंग जिनसा रिसेप्टर माने रिसीव करिबा किछि एपिथेलियल सेल माने कौन करंती ना रिसेप्टर हिसाब रे काम करंती जेमति कि सेंसरी इन्फॉर्मेशन हे गला। एग्जांपल एठी हम कोन दिया हे जे ना ऑल्फैक्शन। ऑल्फैक्शन माने सुंघीबा, नाक आमर कौन कर सुंघुची। बर्तमान सपोज को जगह गोटे चिकेन रंधा होची जो जगह भी भोजी फोजी आम घर साइड रे भोजी गोटे होती चिकेन रंधा होची आम नाक को बासनाटा पलि आसो कि ना आम घर भर बसले भी आम नाक को बासनाटा पलि आसो। सो जो ऑल्फैक्शन होची, ऑल्फैक्शन कहा द्वारा होची आम नाजाल म्यूकोसा द्वारा होची। आम नाक भितर नाजाल म्यूकोसा माने अछंती जो टिश्यू माने अछंती एपिथेलियल टिश्यू माने अछंती से माने बासना को पूरा आराम से आघ्राण कर दउचंती। आघ्राण करी कोठी पहुंचाई दउचंती आम सेंट्रल नर्वस सिस्टम सीएनएस को पठाई दउचंती कहा द्वारा पठाउचंती न्यूरल सिग्नल द्वारा। नर्वस सिस्टम द्वारा जो न्यूरॉन्स माने बॉडी भीतर पूरा चल प्रचल अछंती से न्यूरॉन मानक द्वारा ही हम नाक भीतर थिबा नाजल म्यूकोजल एपिथेलियल टिश्यू नर्वस सिस्टम सेंट्रल नर्वस सिस्टम पाखकु पठाई दोची। बर्तन बासना आसिला, बासना से हम नाक भीतर को गला, नाक भीतर अछंती ऑल्फैक्टरी नाजल म्यूकोसा जा को हम नाजल म्यूकोसल एपिथेलियल टिश्यू कहउचंती। एबे ए एपिथेलियल टिश्यू से बासना को न्यूरॉन सहायता रे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पाखकु पठाई देबो। जे जो बासनाटा आसुची एटा कहार बासना ताको डिटेक्ट किए करबा सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिटेक्ट कर दबो। अरे एटा चिकन बासना जोटा कि घर साइड रे भोजी रे होची जदि पनीर बासना आसला संगे संगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिटेक्ट कर दबो एटा होची पनीर रे बासना। तो ए जो बासना को डिटेक्ट करके ताको जे कोड करूची जेटा कहार बासना ताको के करउची सेंट्रल नर्वस सिस्टम करउची। ए बासना को प्रथमे रिसीव के करउची नाक भितर नाजाल म्यूकोसाल एपिथेलियल टिश्यू से एपिथेलियल टिश्यूर फंक्शन को मैं रिसेप्टर फंक्शन बोली कही था। ओके एवं समस्ते क्लीयर हो गले कौन कौन सब एपिथेलियल टिश्यूर आम पढ़ले, तार लोकेशन देखिले, तार स्ट्रक्चर देखिले, तार फंक्शन देखिले, केमी तार डायग्राम देखिले, गोटे बॉक्स आपको देदेली करके केमी आप मन रखिए बोली। ठीक अच्छे तो यू जिन देखि सारापर आई होप कि समस्ते पूरा क्लीयर हो जाइए। एवं आपको आउ गोटे बक्स मुझे देखा देखिपार थे आउ गोटे बक्स जो लिखाई टाइप्स अफ एपिथेलियल टिश्यू लोकेशन स्ट्रक्चर फंक्शन आइदर आपड़ से बक्स को मन रखिपारती कि यही बक्स को मन रखिपारती। से बक्स रे स्ट्रक्चर डायग्राम अच्छी आक्स आहरी डिटेल्स आहरी सिंपल वर्ड रे लिखाई। तो ट्राए करंतु आपण जेकोसी गोटे बक्स मन रखापी जो बक्सटा को आप रिप्रेजेंट करदे खातार खातार बक्सटा करेंगे। बक्स करने द्वारा कौन हम जी खाता देखिए जो टीचर आपंकर खाता देखिए एत सारा थ्योरी पढ़ा क्या पाखे पेसेंस थी पेसेंस नथिबा जदि आपने बॉक्स टाको बहुत भल भाव में लिखिदेवे टीचर को नजर सांगे सांगे बॉक्स ऊपर पड़ेबो देखिए बॉक्स रे पिलाटी कौन लिखिची बॉक्स रे देखिदेवे सब ठीक ठाक अच्छी जो टिश्यू जो रहा कथा लोकेशन जहाँ रहा कथा सैड से अच्छी स्ट्रक्चर ठीक ठाक अच्छी फंक्शन ठीक ठाक अच्छी अरे छुआटा सब तो ठीक ठाक लिखी ताले पूरा फुल मार्क पूरा आराम से 6 रू 6 मार्क आप लंग क्वेश्चन में आसीज। ठीक अच्छे तो ये आम कम्प्लीट कला आम एपिथेलियल टिश्यू। नेक्स्ट आम देखा मोस्ट इंपोर्टाट एमसीक्यूज कौन कौन सब क्वेश्चन रही एपिथेलियल टिश्यूर मु टॉपिक वाइज आपंकर सब प्रकार थ्योरी सारी सहित क्वेश्चन भी सारी जोद्वारा कि आपंकर बिल्कुल किसी भी प्रॉब्लम हम ना। ओके जदि आजिकार वीडियो भल लगी ताले कहबाक पड़ो कि मते लाइक कर देबे, शेयर कर देबे, सब्सक्राइब कर देबे एंड नेक्स्ट क्लास आम देखा कनेक्टिव टिश्यू सांगे से एमती वीडियो देखता मत सपोर्ट करूँ। थैंक यू।